हेलो दोस्तों, आज हम किराना किसानों के पास है। किराने का किसान क्या कहता है, क्या किराने में कोई पलायन हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि एक पलायन का मुद्दा इलेक्शन में बहुत चल रहा है। तो हम इन्हीं से जानेंगे क्या किराने में, आप इतनी बड़ी उम्र हो चुकी है, किराने में कोई पलायन जो लोग बताया जा रहा है कि यहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। यहाँ से अपने कारोबार के वास्ते सब बाहर गए हुए। अच्छा, तो अभी सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए थे, क्या उन्होंने भी अपने स्पीच में कहा है कि यहाँ पर पलायन लोगों ने किया है, ऐसा कुछ बताओ जी? क्या यूँ कह गए, हम तो अपने खेत पे थे। अच्छा, क्या गए अपने? हाँ, आप अपने खेत पर थे। तो क्या किसान आंदोलन जो बैठे हुए दिल्ली पे, आप किसान हैं, आप सुबह में मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या ऐसा कुछ है कि नुकसान होगा, आपको नुकसान हो रहा है सरकार से? नहीं, सरकार से तो नुकसान हो ही रहा है जी। तेल की महंगाई, हर चीज में की महंगाई होती जा रही। अच्छा, अब की बार किसको वोट देंगे, क्या ओवैसी को वोट देंगे या नाई दसन आ रहे हैं अखिलेश की तरफ से, या आरएलडी भी आएगी, काफी कांग्रेस के लीडर भी यहाँ से आएंगे, तो किसको वोट दोगे? हम तो नाईद को देंगे जी। नाईद को दोगे? हाँ। अच्छा, नाईद को जिताओगे आप? हाँ जी। अच्छा, ये रोड पे जा रहे थे और इनसे हम सवाल करेंगे, किराने में क्या हिंदुओं ने पलायन किया है? आप हिंदू मुस्लिम, क्या यहाँ पर ज्यादा बुरा माहौल है हिंदू मुस्लिम के प्रति कुछ? नहीं, ऐसा तो माहौल कुछ नहीं हुआ यहाँ। अच्छा। लेकिन इस बात का फर्क तो जरूर है। अच्छा अच्छा, कैसा? मान लो सरकार के बदलाव से। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे सरकार बदली है। हाँ। तो इसमें सभी जो यहाँ के गरीब रहने वाले हैं उन्हें सहूलियत होगी अब। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले दिक्कत थी। अच्छा, सरकार के आने पर ये बताइए, क्या आपको रोजगार में कितना मिला है रोजगार? रोजगार तो ठीक है। और रही महंगाई की बात, महंगाई में तो कोई वे दूसरी सरकार भी नहीं कर सकती। अच्छा, ये तो देश विदेशों की बात है, तेल की जो बात है। हाँ। ये तेल तो बाहर से आता है। अच्छा, तो तेल में या महंगाई। अच्छा, में आप किसान हैं? जी हाँ। अब किसान हैं आप, दिल्ली बॉर्डर पर किसान लोग बैठे हुए हैं और मंडी में बताया जा रहा है पहले ज़्यादा सरकार जो है कुछ ऐसे कानून ला रही जिससे किसान को नुकसान हो सकता है, आप ये बताइए, क्या आपको इससे कुछ लग रहा है नुकसान होगा? नहीं, इससे नुकसान नहीं होगा कुछ। अच्छा। सेफ्टी अच्छी होगी इससे भी। अच्छा अच्छा। हाँ, और हम तो छोटे किसान हैं, हमारे लिए तो अच्छा ही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम जसरत है जी। जसरत भाई। अच्छा जसरत भाई, एक बात बताइए, आप किस वक्त सुबह खेत जाते हैं? जी। तो क्या करते हैं खेत में जाकर? खेत में जाके हम सब्जी का काम है हमारा, सब्जी काटते हैं, सुबह 4 बजे चले जाते हैं, 4:30 बजे चले जाते हैं। अच्छा, गरीब से गैस सिलेंडर जो है कुछ 400 कुछ का पहले था, अभी की सरकार में आ गए 900 का 800 का हो गया, इस पर क्या कहेंगे आप? ये महंगाई नहीं है क्या? महंगाई ये है तो गरीब के लिए तो महंगाई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये हमारी माता है, पीछे बेटी शायद इन्हीं की वो है। अच्छा, ये महंगाई पर कितना जो है सरकार का कंट्रोल रहा है, ये क्या कहते हैं आप? पहले तो नुमान सिलेंडर पे कम थे, अब ज्यादा हो रहा, पूरा 1000। सिलेंडर भरवाने में दिक्कत महसूस हो रही है? दिक्कत महसूस तो नहीं हो रही जितनी तो। अच्छा, काफी है हमारे तो। नहीं मतलब दिक्कत, पैसा ज्यादा जा रहा है अब। हाँ, वो तो 1000 रुपए तो ज्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी से, क्या कम करेंगे क्या नहीं करेंगे? बस तो आपको उनकी राज्य है, खरे न खरा अच्छी बात है। आपकी मांग क्या है? बस जी मैं। अच्छा, अबकी बार किसको वोट देने वाले हैं बताओ? चलो बस जी, जिसको कोई सब देंगे सुई को हम दे देंगे। यहाँ पर ओवैसी भी आ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी, और इधर से नाईद हसन है अखिलेश की तरफ से, कांग्रेस से भी आएंगे, और बीजेपी से मरकंगा आ सकती है, या वो जो दूसरे यहाँ पर विधायक हैं इस वक्त के MP हैं वो भी आ सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप, किसको वोट देना चाहते हैं? बस जी, जो सबको जो इच्छा होगी। तो किसकी सरकार चाहते हैं, चलिए बताइए जी। सरकार तो अनुमान अपना जिसकी चल रही है उसी की चाहिए। अच्छा, योगी की सरकार चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। और UP इलेक्शन में आप शायद सफाई अभियान का काम कर रहे हैं, क्या है, किसकी तरफ से आप? ये सरकार की तरफ से है जी। अच्छा, किसकी, चेयरमैन की तरफ से है, किसकी तरफ से? हम चेयरमैन की तरफ से है। अच्छा, ये अभी 2006 में भर्ती हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी कितनी सैलरी है आपकी? 20,230। 20,230। अच्छा, आपका नाम? अनवार। अनवार भाई, ये बताइए, अभी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ किराने में आए थे और उन्होंने बताया कि यहाँ से कुछ हिंदुओं ने पलायन किया है, क्या हिंदू मुस्लिम यहाँ आपस में भेदभाव है कुछ? ना जी, ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ तो हम तो ईद जब दिवाली थी, सारे हिंदुओं ने मिठाई के डब्बे भेजे, हम ईद बनवा भेजे, हमारे ऐसा तो कुछ हमारे सामने है नहीं।
तो वो कह रहे हैं वो पलायन हुआ है, क्या इस सीट पर प्रभाव पड़ सकता है इसका कुछ? नहीं हाँ, हिंदू मुस्लिम वाले तो कोई बात नहीं, आता सब एक है जी। अच्छा अच्छा, तो अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? बज्जी सरकार किसी की बनो ये नहीं हम कह सकते। अच्छा अच्छा, चलिए कह सके कि ये मामला हमारा तो एक मामला है, हिंदुओं में मुसलमान और मुसलमानों में हिंदू, हमारे यहाँ तो यही चल रहा है जी। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। हाँ, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। तो ये सब बकवास है पलायन का जो मुद्दा चल रहा है। ये तो जो है अपने कुछ रोजगार की परेशानियाँ हैं, यहाँ लोग छोड़ के जा कुछ इनसे पानी पच जा रोजाना डेली कुछ। अच्छा। ये है बस मामला। ये किराने में योगी आदित्यनाथ जी आए थे, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव है, आपस में मुसलमान हिंदुओं को परेशान करते हैं, पलायन कर रहे हैं हिंदू यहाँ से, क्या ऐसा कुछ है? ना जी, ऐसा नहीं है। कैसा है? और यहाँ तो सब एकता ही है। एकता है जी। तो क्या यूपी इलेक्शन में किराना सीट पे मुसलमान बहुत ज़्यादा है, क्या यहाँ से बीजेपी का कोई नेता पास हो सकता है? अखिलेश का कुछ किसकी तरह वोट देने वाले हैं? अखिलेश को जिताएंगे। हाँ जी। क्या नाराज़गी आपसे सरकार, आपको सरकार से? बस नाराज़गी कुछ नहीं है। अच्छा, अखिलेश के दीवाने हैं जी। इसके प्रति भी कुछ आपका है कि किसान आंदोलन हो रहे हैं, कुछ इसका कुछ है आपके दिल में? हाँ जी। क्या है भाई? है सरकार, उसकी आनी चाहिए अखिलेश की जी, तभी काम चलेगा। हाँ जी चलेंगे। आप कहाँ से हैं? आप किराने से है जी। किराने से? आप कहाँ से? किराने से। अच्छा, आपने पसीना इतना रहा है, मेहनत कर रहे हैं, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? भाई हमें तो सरकार किसी की बन जाओ, महंगाई इतनी हो गई, पुराने पड़ता मजदूर में भी। अच्छा जी, महंगाई पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है? जब महंगाई पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा, हम एक दूसरा सवाल करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी किराने में आए थे, यहाँ पर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के प्रति बड़ा भेदभाव होता है, आपस में मुसलमान हिंदुओं को परेशान करते हैं, पलायन यहाँ से कर जाते हैं हिंदू, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है जी। आपस में कितना प्यार है? बहुत प्यार है। अच्छा, हमारे पास भी 5-6 बंदे रहते हैं। अच्छा अच्छा, हिंदू के 5-6 बंदे रहते हैं, मोहब्बत प्यार, एक जगह खाना पीना सब। अच्छा, प्यार है? प्यार। अच्छा, आपको कैसा लगा, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने किराने से जो स्पीच दी है, इससे कुछ प्रभाव इलेक्शन पर पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है अखिलेश यादव को? कोई नुकसान नहीं होना उसका, इंशाल्लाह। अच्छा, किसको जिताना चाहते हैं, किसी सरकार लेना चाहते हैं यूपी में? सरकार तो किसी की होना, काम अच्छे होने चाहिए ये। अच्छा, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने काम अच्छे नहीं किए? कोई काम अच्छे नहीं अब तक। महंगाई का कुछ? महंगाई तो ज़्यादा हो रही है। अच्छा जी, और किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किसानों के लिए ये है जी, उनको उनकी फसल के लिए अच्छे रेट मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या है जी। अच्छा, आप सुबह से लेकर शाम तक यही काम करते हैं? जी, काम करते हैं। अच्छा, इधर हमारे बुजुर्ग भी खड़े हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कहाँ के हैं आप? किराना के। यहाँ लगा है आपने, क्या हिंदू मुस्लिम के प्रति कुछ आपस में भेदभाव है, मुस्लिम हिंदुओं को परेशान करते हैं या हिंदू मुस्लिम को? नहीं जी, और प्यार मोहब्बत है सब, सब में प्यार मोहब्बत है। योगी आदित्यनाथ जी ने किराने की यहाँ से ही भाषण दिया था कि यहाँ जो है पलायन ज्यादा कर रहे हैं हमारे भाई, हम ऐसे को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा क्या है आपको? कुछ दिक्कत? कुछ नहीं है हिंदू को? ना, कुछ नहीं है। आप ऐसा कुछ प्यार मोहब्बत है? सब में प्यार मोहब्बत है। अच्छा अच्छा, क्या है जी? सब ड्रामा है जी, ये तो इलेक्शन का टाइम आता है, उससे पहले कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, जब इलेक्शन होता है, जब उनका हिंदू मुस्लिम भी दिखता है, सब चीज दिखती है, इससे पहले सब मोहब्बत प्यार से, कुछ नहीं आता यहाँ। तो क्या चाहते हैं आप, अगर अगली सरकार आए उससे क्या मांग करते हैं भाई? सुकून होना चाहिए। सुकून? हाँ, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, महंगाई कम होनी चाहिए, मजदूर की तरफ को देखना चाहिए, सब चीज़।